date 25th July 2020, class 9, subject maths, topic coordinate terms. Chapter 8, exercise 8.1, date 25th July 2020, class 9, subject maths, topic quadrilaterals, date 25th July 2020, class 9, subject maths, topic quadrilaterals, chapter 8, exercise 8.1. 8.1 exercise में कल सम सॉल्व करे थे. क्वेश्चन नंबर 12 8.1 एक्सरसाइज का, इसके हमने दो पार्ट कर दिए थे. क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट के दो पार्ट रह गए हैं, तो लास्ट के दो पार्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही डायग्राम ड्रॉ कर लो क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम. गिवन वही है, ट्राई बना हुआ है. थर्ड नंबर है ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी, ये प्रूफ करना है थर्ड नंबर में. इसको आप कैसे करोगे, इसका प्रूफ नंबर थर्ड नंबर प्रूफ है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी. लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, इन दोनों ट्रायंगल में लिखेंगे क्या ये प्रूफ करना है इनको कंग्रुएंट. बीएडी एबी इक्वल टू एबी कॉमन है इसमें, एबी इक्वल टू एबी आप यहां पे लिखोगे कॉमन, ये दोनों में है. इसके बाद है BC इक्वल टू AD, यहां पे आप लिखोगे गिवन, दिया हुआ है एंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD, ये पहले से प्रूफ है.
आप यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड है, ये पहले से प्रूव्ड हो चुका है। तो देख लो दो साइड एक ट्रायंगल, एक एंगल होते ही, ये दोनों आपस में ट्रायंगल है एबीसी कंग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी, कैसे हो गए ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी ये प्रूव हो गया टू डी हो गया थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, बिकॉज ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी, ये जो है ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है, अभी प्रूफ भी करा है, आप लिख सकते हो प्रूफ इन थर्ड में हमने अभी प्रूफ करा है। तो एस इक्वल टू बी डी, एसी इक्वल टू बी डी कैसे हो गया भाई, सी पी सी टी कंग्रुएंट पार्ट ऑफ congruent triangle अभी हो गया hence proof to fourth part, ये हो गया हमारा fourth part। तो ये ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन के ये दो पार्ट रह गए थे, तो ये दो पार्ट ऐसे हैं, और हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज में एक इसमें थ्योरम है वो आपको जरूरी है करना, उसे एक बार लिख देते हैं, उसे आप ध्यान से देखना। वो प्रूफ करना जरूरी है, हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सभी पॉइंट थ्योरम क्या होता है,
एल्गोरिथम में क्या होते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं लाइन, बाकी खुद अपने आप प्रूव करना होता है। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle. Sides of a triangle is parallel to the third side. ये है मिड पॉइंट थ्योरम। इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम आप बनाओगे ट्रायंगल का। सबसे पहले ये डायग्राम अपने आप बनाना होता है, ये बने नहीं होते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं, खुद बनाना होता है। अब आप लिखोगे इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन में आप लिखोगे ABC is a triangle in which E is the midpoint of a AB and AF is the midpoint of a AC. AB का midpoint E है और AC का midpoint F है। And CD is parallel to BA. तो प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो इनको मिलाने वाली जो पॉइंट है ये पैरेलल टू द थर्ड साइड ऐसे कर लेते हैं। ये पैरेलल बीसी एंड हाफ और बीसी
ये कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप? साइन ए टू एफ एंड ड्रॉ सीडी पैरेलल बी, सीडी बीए के पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब हमें आता है प्रूफ, अब नेक्स्ट लाइन में आता है प्रूफ। अब प्रूफ में आप क्या करोगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल है ए एफ बी, एंड ट्रायंगल सीएफडी। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो एंगल एएफई इक्वल टू एंगल है सीएफडी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, AF इक्वल टू FC, AF इक्वल टू FC, क्यों? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। अब आप देखो एंगल ईएएफ इक्वल टू एंगल एफसीडी, एफसीडी आप लिखो अल्टरनेट एंगल, क्यों अल्टरनेट है आप लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन लिख लो, बाय कंस्ट्रक्शन से फिर ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल AFP congruent triangle CFD angle side angles criteria of congruency से इस तरह क्या हो गया, इस तरह आ गया हमारा ए इक्वल टू स्टेड। A equal to CD, congruent part of congruent triangles हो गया,
इक्वल टू ई बी इक्वल टू सी डी, ये सब इक्वल हो गए क्योंकि ई सभी पॉइंट है। पैरेलल स्टडी कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा, हेंस बी से डी ई बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेलल बीसी, जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, हम लिख सकते हैं ये बीसी के पैरेलल है। ये अब जो है हाफ ऑफ है एडी और ईएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, एक ये प्रूव हो गया। और एक यहाँ भी प्रूव है, पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है। तो ये एमीट पॉइंट थ्योरम, इसके कन्वर्स भी है, उससे भी प्रूव करा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8.2 का फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच जिसमें पी क्यू आर एस आर मीट पॉइंट सब साइड से भी बी सी सी डी एंड डी ए, पी क्यू आर एस है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए साइड के मीट पॉइंट्स, ए सी इज डायगनल हमें शो करना है, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो इसमें जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे।
ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप जीवन लिखोगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेंट वेक्टर, in which P, Q, R and S, in which S are meet points of the sides. Meet points of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. AC to prove, मैं क्या प्रूफ करना है? First है, S R parallel A C half of A C P Q equal to S R ऐसा थर्ड नंबर है कि क्यू आर एस से पैरेलल होगा। अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? ट्रायंगल एसीडी फर्स्ट पार्ट, एसीडी मिड पॉइंट ऑफ है, मिड पॉइंट्स ऑफ है एडी एंड सीडी। एडी का मिड पॉइंट एस, सीडी का मिड पॉइंट आर। एस इन ट्रायंगल एसीडी हो गया हमारा एस आर है पैरेलल एस सी। यहां पे लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। और है एस आर इक्वल टू हाफ एस, ये भी होगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। इससे फर्स्ट पार्ट टू हो गया। सेकेंड पार्ट में इन ट्रायंगल ABC P and Q are
बी पॉइंट्स ऑफ द ए बी एंड सी सी ए बी और बी सी के बीच पॉइंट है और PQ इक्वल टू हाफ BC वहां पे लिख देना मीन पॉइंट जो है ये सेकंड नंबर है अब आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट पी क्यू इक्वल टू एस आर ये सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया अब थर्ड नंबर में थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए from first and second thus are parallel with you thank you and S are equal to PQ PQ Hence, PQ R S is a parallelogram. Hence, ये प्रूव हो गया हमारा थर्ड पार्ट तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये तीन पार्ट हो गए प्रूव्ड इन तीन पार्ट में आपको ऐसे ही प्रूव्ड करना है इस तरह 8.2 के फर्स्ट थ्योरम भी